आपको एक सर्वोपरि जो नियम बता दूं, गुरु और ईष्ट को अपने सर्वोपरि मान के चले। कोई भी साधना करें, कोई भी जप करें, किसी को भी गुरु बनाएं, हमेशा गुरु और ईष्ट सर्वोपरि है, ये हमेशा ध्यान रखें। आपको अगर अपनी साधना से विमुख नहीं होना है, पथभ्रष्ट नहीं होना है, बाद में विलाप नहीं करना है, घुटने टेक के माफी नहीं मांगनी है, तो अपने गुरु और ईष्ट को प्रथम रखिएगा। मैं बार बार इस बात को बताता हूँ, उनसे ज्यादा अगर आपने तवज्जो अपने आप को दी, अपने ज्ञान को दी, अपने मैं को दी, तो फिर आप ही गुरु कहलाएंगे। और मैं का, मैंने कई बार पोस्ट में लिखा, मैं का कोई गुरु नहीं होता है, अहंकार का कोई गुरु, भले ही वो सामने कितनी माला पहना ले, कितने पैर धो ले, कितने गुरु जी कर ले सामने बैठ के, कितने दक्षिणा दान चढ़ा दे, कितनी सोने की असरफियां चढ़ा दे, गड्डियां चढ़ा दे गुरु जी कहते कहते, लेकिन अगर वो गुरु और ईष्ट को सर्वोपरि नहीं मान रहा है तो वो पथभ्रष्ट जरूर होगा, ये निश्चित है। इस नियम का सदैव पालन करें, अपने मैं को पीछे रखें, गुरु के आदेश का पालन अवश्य करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नियम साधकों में अक्सर क्या होता है, एक टैग लगा के चलने की आदत होती है कि मैं साधक हूं, ऐसा ना करें। पहली बात तो तुम साधक हो यही छुपा लो, क्योंकि जैसे तुम साधक कहोगे सारा जगत तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, क्या करते हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो, ये सब, और तुम्हारे पास जवाब होगा नहीं, तुम हतोत्साहित हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे, क्योंकि तुम एक झटके में आए हो ना साधना करने, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, फिर तुम पदच्युत हो जाओगे। तो सबसे उत्तम है कि अपने साधक होने की आइडेंटिटी हटा दो, बस ये रखो कि हाँ मैं साधना करता हूँ, नॉर्मल पूजा पाठ जैसे करता हूँ करता हूँ, मेरे गुरु जी हैं, मैं उनकी माताएं मार्ग पर चलता हूँ, बस। ज्यादा बखान करना तुमने अगर शुरू कर दिया तो छाती चौड़ी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप उससे भिन्न हो गए, उस व्यक्ति से, और जैसे ही आप भिन्न हो जाते हैं वैसे ही आपका मैं चौड़ा हो जाता है। तो उसी भिन्नता को दर्शाने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, जैसे बाल लंबे कर लेंगे, दाढ़ी मूछ लंबी, जो भैरव भक्त होते हैं उनमें अंदर से प्रेरणा आती है, ठीक है, कि मैं दाढ़ी मूछ लंबी कर लेता हूँ, लेकिन वो भी बहुत गहराई से देखेगा तो उसके मैं की वजह से ही है। भैरव से, भैरव साधकों की जो साधना करते हैं, भैरव साधक होते हैं, उनके जो बहुत दुर्गुण निकल के आते हैं उस साधना में, उसके बारे में भी एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, उन लोगों को चेताने के लिए कि जो पदभ्रष्ट हो चुके हैं और पदभ्रष्ट होने के कगार पे हैं, जो बाहर माया का आवरण उड़ के रहते हैं कि मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, अंदर से वो बहुत ही पदभ्रष्ट हो चुके होते हैं, निकृष्ट हो चुके हैं, साधना गिरा चुके होते हैं। तो उन भैरव साधकों के लिए भी मैं बहुत अच्छी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि भैरव साधक कैसा होता है, भैरव साधक के गुण क्या होने चाहिए, भैरव साधक की परीक्षाएं क्या क्या होती हैं, कैसे वो महाकाल भैरवनाथ कैसे वो परीक्षा लेता है, बहुत कठिन परीक्षा लेता है, पता नहीं चलता है, गिरा देता है। एक नियम और जो जिसके बारे में पहले बोल चुका हूं, अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें, बिल्कुल मर्यादित होकर रहें, छल कपट धूर्तता द्वेष ईर्ष्या असत्य अमर्यादित भाषा, इन सब का अगर आपने प्रयोग करना समझ लिया कि इसका प्रयोग करना उचित है, मैं कर सकता हूँ भाई, मैं शक्तिवान हो गया हूँ, मैं भैरव भक्त हो गया हूँ, मैं काली भक्त हो गया हूँ, मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ, अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप मुझसे लिखवा लीजिए, और किसी भी कोई अच्छा गुरु होगा ना उससे आप लिखवा लीजिए स्टैम्प पेपर पर, और मेरे से आप डेट नोट करके लिखवा लीजिएगा कि अगर आपने आज शुरू करा है किस डेट को आप पदभ्रष्ट हो जाएंगे, अगर इसी नियम का फॉलो करते चलेंगे कि मैं तो कुछ भी करूंगा, मैं तो ऐसा ही हूं। भाई ऐसे ही हो तो गुरु के पास क्यों आए, ऐसे ही हो तो साधना क्यों कर रहे हो, नियम तो दोनों तरह से फॉलो होंगे। अगर आप ऐसे ही हो और ओशो को फॉलो करने वाले हो तो ओशो कहते हैं, या कोई भी जो सदगति को प्राप्त हो कहते हैं सहज रहो, तो साधक को सहज रहना चाहिए, ये अगला नियम है, साधक को सहज रहे, लेकिन सहज रहने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करे,
भाई आप कुछ भी करो तो आप समाज से हट जाओ, आप चले जाओ अघोरियों की तरफ, शमशाने बैठो, उनके लिए वही स्थान है, तो आप वहीं खाओ, वहीं पियो, वहीं हगो, अपने मल को ही खा लो, अपने मूत्र को ही खा लो, मुर्दा जल्ला उसको ही खा लो, गंदा पानी वही पी लो। तो ऐसे साधकों के लिए वो जगह निश्चित है कि आप नदी किनारे चले जाओ, शमशान में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, संसार में रहने की आवश्यकता नहीं है। साधकों की अलग अलग कैटेगरी है ना, वही आप गृहस्थ में अगर रह रहे हो और आप ऐसे लोगों के बीच में रहो, संसारिक लोगों के बीच में रह रहे हो, तो आप छल कपट करोगे, अमर्यादा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करोगे, धूर्तता करोगे उनके साथ, तो आप एक दिन दो दिन बड़ी मुंह काले कपड़े और लाल कपड़े और टीका लगा के बड़ी बड़ी माला पहन के दो चार दिन उनको बेवकूफ बना लोगे, क्योंकि तो तत्व उसके भीतर भी वही है। तो छल कपट, अमर्यादित भाषा, धूर्तता, ये किसी भी साधक को नहीं करना चाहिए, और खास तौर से भैरव साधक बिल्कुल ना करें। ये चेतावनी है उन भैरव साधकों के लिए जो इस तरीके से करते हैं, बहुत बुरी तरीके से पटकता है, पता नहीं चलेगा। अपने गुरु के बताए नियमों का पालन करें। बहुत सारे ऐसे अलग अलग नियम हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा, और भी आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा, बीच बीच में चेताता रहूंगा, क्योंकि हमारी आदत थी भूलने की, कि बताया हमने, सुना, मजा आया, अंदर स्टोर कर लिया, जैसे बाकी वीडियोस देख के स्टोर कर लिया, वैसे ये भी वीडियो देख के स्टोर कर लिया और सो गए कि चलो अब अगली वीडियो आएगी। नहीं, अच्छे साधक होंगे, मेरा एक साधक है, कभी भी आपको मेरी आवश्यकता हो, मेरी सहायता की आवश्यकता हो, मेरे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, क्योंकि ये ऐसे नियम है जो किसी को नहीं पता और जो हर किसी को पता होने चाहिए, हर किसी को, हर साधक को पता होने चाहिए। और अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ उन सभी के लिए, उन सभी साधकों के लिए और सभी लोगों के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसको लेने के कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को मैं बताता हूँ कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कराना होगा कम से कम 10 लोगों के साथ, और 10 स्क्रीनशॉट मुझे भेजने होंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको आपकी जो आने वाले जो वर्ष हैं वो कौन कौन से आपके फेवर में होंगे, आपको कुंडली के हिसाब से कौन सा देव है, कौन सा मंत्र आपको करना चाहिए, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन से दिन अच्छे हैं, ऐसी आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी साथ में रहेगी, कि कौन कौन से नंबर आपके लिए फेवरेबल हैं, कौन सा यंत्र आपके लिए फेवरेबल है, पूरे ग्राफ चार्ट के साथ आपको मैं एक रिपोर्ट दूंगा। तो अगर आप इस फ्री रिपोर्ट को लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी और फ्यूचर प्रेडिक्शन रिपोर्ट को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और 10 लोगों के साथ कम से कम इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं दे सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं अर्थ नहीं ले रहा हूं, तो उसके एवज में, उसके बदले में आपको इस प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। तो 10 लोगों से शेयर करके 10 लोगों का आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजें, तो वो जो न्यूमरोलॉजी जो रिपोर्ट है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको आपके व्हाट्सएप पे PDF फॉर्म में दूंगा, जिसको आप हमेशा देखें और हमेशा याद रखें उन सब चीज़ों को अपने जीवन में, क्योंकि वो बहुत लाभदायक है। बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है, पेड दिया, कॉस्ट उसकी 1100 है, लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मेरी बात को, जो ये मैं साधकों को बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, बहुत सारे लोगों तक। ये मेरे नहीं, साधकों के जीवन के लाभ के लिए है, मुझे आप क्या दोगे? मैं आज हूं नहीं हूं, ये अगर वीडियो बाद में भी रहेगा तो आने वाले हजारों साधकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। यही कहते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय श्री काल भैरव।